हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। लास्ट वीडियो में आपने देखा हम लेवलिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहाँ ने लेवलिंग से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे उसके इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस थे वो हमने सारे कुछ रेफर किए। लेवल सरफेस क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में हमने वहाँ डिस्कस किया और उनसे कैसे क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं, बेंचमार्क क्या है आपका, रिड्यूस लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है डंपी लेवल। मैंने आपको बोला था लेवलिंग के लिए जो हम लोग लेवल्स नोट डाउन कर रहे हैं, लेवल्स हमने चेक करने हैं, मीन्स कितना डिप्रेशन है, कितना एलिवेशन है, वो हम किसी इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं डंपी लेवल, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। और भी बहुत लेवल होते हैं, वाई लेवल होते हैं, क्रॉस लेवल होते हैं, बट मेनली जो है वो डंपी लेवल मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है। और आपके RRBJE सिलेबस में भी सिर्फ डंपी लेवल उन्होंने मेंशन किया है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर डंपी लेवल के बारे में जानेंगे कि ये डंपी लेवल क्या है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। आफ्टर दैट विल बी सीइंग रिगार्डिंग दी टाइप्स ऑफ लेबलिंग। बहुत सारे टाइप्स ऑफ लेबलिंग होते हैं, वो कौन सा होता है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज डंपी लेवल। ये डंपी लेवल क्या है? डंपी लेवल एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप लेबलिंग सर्फेसेज लेवल्स के वैल्यू नोट डाउन कर रहे हो। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हमने कंपास सर्वेइंग में मैंने देखा था, आपको बताया था कंपास सर्वेइंग में कि मोस्ट कॉमन टाइप जो है वो कंपास है। वहाँ दो टाइप के होते हैं, प्रिज्मेटिक और सर्वेयर, और वो दोनों हम लोग यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन होल सर्कल बेयरिंग या क्वाड्रेंटल बेयरिंग। चेन सर्वेइंग में मैंने आपको बताया चेन और टेप आप यूज़ करते हो। सिमिलरली लेवलिंग में हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम मेज़र कर सकते हैं। मैंने नाम बताया आपको, क्रॉस लेवल, वाई लेवल, डंपी लेवल। सो बट डंपी लेवल इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। सो इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। It consists of telescope and compass. और भी बहुत से कंपोनेंट होते हैं, बट मेनली जो कंपोनेंट जो आपके लेवल सरफेस को लेने में हेल्प करते हैं वो आपका टेलीस्कोप है और कंपास है। टेलीस्कोप से आप लोग विजन क्लियर करते हो, साइटिंग का प्रोसेस कैरी आउट करते हो, और कंपास से एंगुलर मेजरमेंट हम लोग वहाँ नोट डाउन करते हैं कि वो कितने एंगल पे एलिवेशन है या कितने एंगल पे डिप्रेशन है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज टेलीस्कोप इज फिक्स्ड to the supports of dumpy level. Telescope is fixed to the supports of dumpy level and it cannot be removed. तो ये important point है आपका। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि टेलीस्कोप जो है वो आपका फिक्स रहता है डंपी लेवल में। टेलीस्कोप आपका डंपी लेवल में फिक्स रहता है। जनरली आपका ये डंपी लेवल है तो इसके ऊपर में आपका टेलीस्कोप फिक्स रहेगा और वो टेलीस्कोप आप रिमूव नहीं कर सकते हो। दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपसे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं द टेलीस्कोप इन डंपी लेवल कैन बी रिमूव्ड, रिमूवेबल है वो, नॉन रिमूवेबल है, बोथ टाइप्स या नन। तो वो नॉन रिमूवेबल होता है, उसे आप रिमूव नहीं कर सकते, वो अटैच रह सकता है, अटैच ही रहता है। रिमूव तो छोड़ो, आप उसे मूव भी नहीं कर सकते लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। इवन इट कैन नॉट बी मूव इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। मोर ओवर इट कांट बी रोटेटेड In longitudinal direction. आप उसे रिमूव तो नहीं कर सकते हो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, आप उसका रोटेशन भी कैरी आउट नहीं कर सकते हो। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ये हुआ, अगर ऐसे टेलीस्कोप है आपका तो इस डायरेक्शन में आप टू या फ्रो मोशन में आप उसे
मूव नहीं कर सकते, उसकी मूवमेंट नहीं है, वो स्टिक टू द इट्स टेलीस्कोप जो वो आपका सपोर्ट पे स्टिक रहता है और वो रिजिडली फिक्स्ड है, वो आपका मूव नहीं होगा, वो आप रिमूव नहीं कर सकते हो। आफ्टर सर्टेन टाइम वो खुद ऑटोमेटिकली एज द टाइम पासेस यूज के बाद वो लूज होता है, बट ईजी वे में आप उसे रिमूव नहीं कर सकते, उसकी मूवमेंट कैरी आउट नहीं कर सकते हो। तो ये आपका डंपी लेवल के कुछ फीचर्स हैं। अब इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं डंपी लेवल के, डंपी लेवल के पार्ट्स हम देखेंगे। कॉम्पोनेंट्स ऑफ डंपी लेवल फॉलोइंग आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ डंपी लेवल फ्लोइंग और कॉम्पोनेंट्स ऑफ डंपी लेवल। बेसिकली इसके जो जो कॉम्पोनेंट्स हैं उसके नेम मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट वन इज ट्राइपॉड, सेकंड वन इज लेवलिंग हेड, थर्ड वन इज फुट स्क्रू, सो ट्राइपॉड, लेवलिंग हेड, फुट स्क्रू, आफ्टर दैट टेलीस्कोप, फिफ्थ वन इज कंपास, एंड लास्ट वन इज बबल हेड और बबल ट्यूब और बबल हेड आप दूसरे दोनों बोल सकते हो। तो ये मेजर कंपोनेंट्स हैं डंपी लेवल के। तो इसमें बाकी चीज़ें फिक्स हैं, तो मेन हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो टेलीस्कोप और कंपास है। टेलीस्कोप से आपने साइटिंग प्रॉपरली किया, टेलीस्कोप में क्रॉस हेयर्स होते हैं, डायफ्रेगम होते हैं, वो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा लाइन ऑफ कॉलिमेशन होता है, और वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, वहाँ ऑब्जेक्ट का हम साइटिंग करते हैं, और कंपास में हम लोग एंगुलर मेजरमेंट वहाँ पे नोट डाउन करते जाएंगे पैरेलली। तो ये सारे उसके कंपोनेंट्स हैं। ट्राइपॉड आपका क्या होता है, ट्राइपॉड एक स्टैंड है जिस स्टैंड पे आपने डंपी लेवल को फिक्स करना है, वो स्टैंड है आपका, वो जस्ट लाइक ऐसा होगा ट्राइपॉड आपका, ये 2D बोर्ड है, आपको 3D में यह शो नहीं कर सकता, ये वाला लेग उस साइड का और दो लेग ऐसे रहेंगे, तो ये थ्री लेग्स, दीज आर लेग्स, ये लेग्स है आपके ट्राइपॉड के। इसके ऊपर आप यहाँ पे सेट करते हो आपका डंपी लेवल, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऊपर में आपने सेट किया, और आप वहाँ से सारे कुछ फोकस करोगे, आप लेवल नोट डाउन करते जाओगे। तो ये ट्राइपॉड भी आपका कंपोनेंट है, अगर ट्राइपॉड ही रहेगा तो आप डंपी लेवल अपने हैंड से मैनुअली आप वहाँ पे नोट डाउन नहीं कर सकते वैल्यू, आपको एक स्टैंड चाहिए होगा जिस स्टैंड पे आपने डंपी लेवल को फिक्स कर रखा है, और उसके अकॉर्डिंग हमें जिस जगह पे जिस पॉइंट का हमें लेवल चाहिए वहाँ हम उस डायरेक्शन में साइट करेंगे। तो ये आपका स्टेशन भी हो जाएगा, ये इंस्ट्रूमेंट का सेटअप है आपका, जहाँ आपने उसे फाइनली रख के और वैल्यूज लेने हैं। और मैंने आपको बताया था जब आपने इंस्ट्रूमेंट सेट किया तो जो फर्स्ट रीडिंग होगा वो आपका बैक साइड रीडिंग होगा, और जो लास्ट रीडिंग होगा जब आपने स्टेशन को चेंज करना है पोजिशन, तो वो आपका फोर साइड रीडिंग होगा, बीच के सारे रीडिंग्स इंटरमीडिएट साइड रीडिंग्स होंगे। तो ये रीडिंग्स लेने के लिए हमने डंपी लेवल को फिक्स किया, तो डंपी लेवल को हम जिस स्टैंड पे फिक्स कर रहे हैं वो हमारा ट्राइपॉड है। ये वुडन का जनरली वुड का बना हुआ होता है, ये लेग सारे वुडन पार्ट्स बने होते हैं, इसमें फ्रेम पार्ट्स भी आजकल आते हैं जो आपके मेटल बॉडीज के होते हैं, और इसके बॉटम में आयरन शू लगे होते हैं ताकि वो प्रॉपरली स्टिक रहे ग्राउंड से जिस लेवल पे आपने उसका लेवल नोट डाउन करना है। सो फर्स्ट वन इज ट्राइपॉड, और ट्राइपॉड के बारे में आपको बता रहा हूँ। ट्राइपॉड का मैंने आपको क्या बोला, ये स्टैंड है, इट इज अ स्टैंड ऑन विच डंपी लेवल इज फिक्स्ड फॉर कैरिंग आउट लेवलिंग
तो डंपी लेवल आपने ट्राइपॉड पे फिक्स कर दे, तो मैंने आपको दिखाया उसके थ्री लेग्स होते हैं, तो वो थ्री लेग्स रहते हैं, ऊपर में आपने डंपी लेवल फिक्स कर रखा है, वो लेग्स को आप एडजस्ट कर सकते हो, वो टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट परमानेंट एडजस्टमेंट्स होते हैं, आप सेंटरिंग करते हो, ये सब आपने अपने लैब में भी देखा होगा, जब आपने सर्वे आपने जब कर रहे होंगे, आप लेवलिंग कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा आप वो ट्राइपॉड के जो लेग्स होते हैं वो सारे लेग्स फोल्डेबल होते हैं, उन्हें आप प्लेस कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, और वो आपका सेंटरिंग का प्रोसेस, लेवलिंग का प्रोसेस, ये सारा कुछ आप वहाँ पे कैरी आउट करते हो, उसे हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ लेवल, एडजस्टमेंट्स ऑफ लेवल। सो इट इज अ स्टैंड ऑन विच डंपी लेवल इज फिक्स्ड फॉर कैरिंग आउट लेवलिंग। तो लेवलिंग कैरी आउट करने के लिए डंपी लेवल आपने का स्टैंड भी फिक्स किया, वो स्टैंड आपका ट्राइपॉड है, इट हैज थ्री लेग्स यूजुअली वुडन और फ्रेम्ड मीन्स वो किसी मेटल का बना हुआ होगा, या जनरली वो जो होता है वुडन का बना रहता है, और वो आपको मूवेबल लेग्स होते हैं, इट हैज थ्री लेग्स, लेग्स आर मूवेबल सो दैट एडजस्टमेंट्स कैन बी डन, मैंने टेलीस्कोप के बारे में यहाँ पे आपको बताया था, टेलीस्कोप के बारे में मैंने बोला था ये कि फिक्स है, इसे आप मूव नहीं कर सकते हो, बट ट्राइपॉड के जो लेग्स होते हैं उन्हें आप मूव कर सकते हो, उन्हें मूव करके ही हम टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट जो हमारे होते हैं या परमानेंट एडजस्टमेंट्स होते हैं, उन दोनों में हमें उनके ट्राइपॉड के लेग्स को प्रॉपरली सेट करना होता है, तो वो मूवेबल पार्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो फिक्स है, मूवेबल पार्ट्स हैं, उसके बाद आप उसे लॉक कर सकते हो, उसमें लॉकिंग सिस्टम होते हैं कि फर्दर वो मूव ना करें, आपके एरर्स ना आए जब आप लेवल नोट डाउन कर रहे हो, लेग्स आर मूवेबल सो दैट एडजस्टमेंट्स कैन बी डन। तो ये आपका ट्राइपॉड है जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट था, ये क्या है बेसिकली, इट इज अ स्टैंड ऑन विच डंपी लेवल इज फिक्स, डंपी लेवल आप इसको प्लेस करते हो। द सेकंड वन इज लेवलिंग हेड। ये लेवलिंग हेड क्या होता है आपका, ये डंपी लेवल में कुछ ऐसे रहेगा, ये एक आप समझ सकते हो इसे बीम टाइप अगर आपने इमेजिन किया, या एक प्लैंक है ये, इसके ऊपर आपका ये आपके ट्रायंगुलर शेप्स के फॉर्म होते हैं, ट्रायंगुलर हेड्स होते हैं, ट्रायंगुलर प्लेट्स होते हैं, ये ट्रायंगुलर प्लेट्स आपका यहां पे फिक्स रहता है जिस पोजीशन पे, ये आपका लेवलिंग हेड या इसे आप बोलते हो लेवलिंग हेड, और ये क्या है, ये दोनों आपके हैं ट्रायंगुलर प्लेट्स। तो ये ट्रायंगुलर प्लेट्स हैं, और जिस प्लैंक पे, जिस बोर्ड पे वो सेट कर रखे हैं, वो हमारा लेवलिंग हेड है। तो लेवलिंग हेड क्या है, इट इज यूज्ड टू सपोर्ट द ट्रायंगुलर प्लेट्स, और ट्रायंगुलर प्लेट्स आर प्लेस्ड ऑन लेवलिंग हेड, इट इज यूज्ड फॉर प्लेसिंग ट्रायंगुलर प्लेट्स। और ये आपका लेवलिंग हेड जो है, ये आप मूवेबल है, इसे आप ऊपर या नीचे कर सकते हो। वो कैसे होता है, यहाँ पे फुट स्क्रूज होते हैं, इस फुट स्क्रूज के हेल्प से ये अटैच रहता है, इसमें फुट स्क्रूज के हेल्प से आप क्या करोगे, इसे आप रेज कर सकते हो, इसका पोजीशन आप ऊपर इसे ला सकते हो, या इसे आप फर्दर लोअर डाउन कर सकते हो। तो नेक जो हमारा फुट स्क्रू है उसका यूज ही है, देयर आर टोटली थ्री फुट स्क्रूज, और ये फुट स्क्रूज क्या करते हैं, ये फुट स्क्रूज आपका लोअर डाउन या रेजिंग ऑफ लेवलिंग हेड को कैरी आउट करते हैं। और प्लेट्स कितने, ट्रायंगुलर प्लेट्स, देयर आर टू ट्रायंगुलर प्लेट्स, इट इज यूज्ड फॉर ट्रायंगुलर प्लेट्स, प्लेसिंग ट्रायंगुलर प्लेट्स, टू ट्रायंगुलर प्लेट्स आर देयर। मैं बहुत ज्यादा इनके बारे में डिटेल आपको स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूं कंपोनेंट्स,
क्योंकि ये यूजुअली एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट उन्होंने चूंकि मेंशन कर रखा है कि डंपी लेवल के बारे में सिर्फ उन्होंने बताया है, डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेवलिंग उन्होंने नहीं मेंशन किया, उन्होंने सिर्फ डंपी लेवल बोला है, तो वो हो सकता है एक क्वेश्चन डंपी लेवल से रेज करें, बट यूजुअली ये किसी भी जेई एग्जाम में ज़्यादा फोकस नहीं होता ये वाला एरिया, तो इसलिए मैं इसके बारे में जो लेवलिंग में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो मैंने डेफिनेशन आपको 12 पॉइंट्स नोट डाउन कराए थे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, उन 12 पॉइंट्स से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रेज होते हैं अगर आपके लेवलिंग के क्वेश्चन उन्होंने पूछना है तो। बट यहाँ पर उन्होंने डंपी लेवल मेंशन किया है तो मैं एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ डंपी लेवल के बारे में। मैंने बताया कि ये मोस्ट कॉमन टाइप है और इसमें कंपास और टेलीस्कोप होता है और इसका एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, टेलीस्कोप इज फिक्स, टेलीस्कोप फिक्स होता है और टेलीस्कोप जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी आप रोटेट नहीं कर सकते हो, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, उसके कंपोनेंट से बनते हैं, वो पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ डंपी लेवल, और वो इनमें से कोई चार दे तीन दे देंगे और एक कोई ऐसा कंपोनेंट दे देंगे, वो थियोडोलाइट जैसे मेंशन कर दिया कि इनमें से कौन डंपी लेवल का कंपोनेंट नहीं है, उन्होंने ऑप्शन दे दिया ट्राइपॉड टेलीस्कोप कंपास एंड थियोडोलाइट, तो आपको पता है थियोडोलाइट इसके कंपोनेंट नहीं है, इसके कंपोनेंट टेलीस्कोप कंपास और ट्राइपॉड है, या फिर उन्होंने पूछ लिया कि ट्राइपॉड उसका कंपोनेंट है या नहीं, तो ट्राइपॉड कंपोनेंट है, ट्राइपॉड डंपी लेवल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो रोल क्या प्ले कर रहा है आप उसके ऊपर ही डंपी लेवल आपने प्लेस किया, तो सिर्फ वो स्टैंड नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर स्टैंड नहीं है तो आपने डंपी लेवल आप नॉर्मली अपने हैंड में लेके भी लेवलिंग कैरी आउट कर सकते हो, ऐसा नहीं है, डंपी लेवल को आपको फिक्स करना होगा और वो फिक्सिंग के लिए ट्राइपॉड उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, तो इसलिए मैं कंपोनेंट्स के एक बेसिक फीचर एक आध पॉइंट मैं बता रहा हूं जो वो है क्या, ताकि आपको ये समझ में अगर वो डंपी लेवल से क्वेश्चन रेज किए तो वो कंपोनेंट्स या उसके फंक्शन से बियॉन्ड नहीं पूछे जाएंगे आपसे, तो मैंने आपको बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन देना है इसके डंपी लेवल के। सो सेकंड वन वाज लेवलिंग हेड, लेवलिंग हेड पर ट्रायंगुलर प्लेट्स प्लेस होते हैं, ये मैंने ट्रायंगुलर प्लेट्स आपको दिखाए हैं, ये ट्रायंगल होते हैं और डाउन वो ओवल शेप में आ जाते हैं, इसलिए ऐसा पिक्चर है, ये लेवलिंग हेड है जिस पे फिक्स किया और दो ट्रायंगुलर प्लेट्स होते हैं, सो दे मे आस्क द नंबर ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट्स इन अ डंपी लेवल इज, तो 1, 2, 3, 4 आपको पता है वो 2 होते हैं, सो दैट इज ये सिंपल क्वेश्चन आपसे रेज किए जा सकते हैं। ट्राइपॉड लेवलिंग हेड थर्ड पार्ट इज फुट स्क्रू, फुट स्क्रू मैंने कितने बोले, फुट स्क्रू 3 होते हैं, देर आर 3 फुट स्क्रूज और उसका यूज मैंने क्या बोला, इट इज यूज टू लोअर डाउन और रेज दी ट्राइब्रैक, ट्राइब्रैक एक्चुअली लेवलिंग हेड के ऊपर का जितना ये फंक्शन है ये सारा लेवलिंग हेड प्लस यहाँ एक और ऊपर लेयर होता है वो सारा कंबाइन जो होता है वो ट्राइब्रैक कहलाता है, सो देर आर 3 फुट स्क्रूज, देर आर 3 फुट स्क्रूज, इट इज यूज टू रेज मीन्स ऊंचा लाना, उसकी हाइट को इंक्रीज करना, आप इस पूरे सिस्टम को ऊपर ला सकते हो, और लोअर डाउन ट्राइबार्च, ये ट्राइबार्च आपका यूनिट है जो ये लेवलिंग हेड प्लस इसके ऊपर के कंपोनेंट्स होते हैं, उसको कंबाइन हम लोग ट्राइबार्च बोलते हैं, और उसे रेज या लोअर डाउन उसकी हाइट को इंक्रीज या और नीचे डिक्रीज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फुट स्क्रू। स्क्रू जनरली आप किसी भी मशीन में देखोगे तो स्क्रू का यूज ही होता है कि अगर आपने किसी चीज को लोअर डाउन करना है या आपने इंक्रीज करना है तो वो स्क्रू आपका यूज होता है। जब मैं आपको थियोडोलाइट बताऊंगा वहां पर भी मैं स्क्रू के फंक्शन के बारे में बताऊंगा, थियोडोलाइट में भी स्क्रूज होते हैं और उनका क्या फंक्शन है वह हम लोग देखेंगे, बट बेसिकली जो आपका स्क्रूज होता है वो यूजिंग किया जाता है उसके पोजिशन को मूव करने के लिए, उसकी हाइट को डिक्रीज या इंक्रीज करने के लिए, और सेम फंक्शन वो यहाँ भी कैरी आउट कर रहा है। सो इसके पार्ट्स इंपॉर्टेंट क्या है, देर आर 3 फुट स्क्रूज, 3 फुट स्क्रूज होते हैं और ये यूज किस लिए है, टू रेज और लोअर डाउन ट्राइबार्च, तो ट्राइबार्च को रेज करने के लिए उनके पोजिशन को लोअर डाउन करने के लिए हम लोग फुट स्क्रूज का यूज करते हैं। सो ये फर्स्ट 3 पार्ट है। नेक्स्ट वन इज टेलीस्कोप, सो टेलीस्कोप हमने क्यों यूज किया, टेलीस्कोप हम साइटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, जब हमें साइट करना है वहीं से तो हमने लेवल नोट डाउन करना है, तो टेलीस्कोप का आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है और टेलीस्कोप यहाँ पे फिक्स होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था टेलीस्कोप को आप मूव नहीं कर सकते हो, सो टेलीस्कोप का मैंने आपको क्या बोला, इट इज फिक्स पार्ट ऑफ डंपी लेवल,
it is fixed part of dumpy level. Fixed part of dumpy level. It is used for sighting. It is used for sighting. जो आपने बैक साइट लिया, फोर साइट लिया, इंटरमीडिएट साइट लिया, वो सारा आपने लिया किन चीजों से? वो आपने डंपी लेवल में टेलीस्कोप जो लगा हुआ उन चीजों से ही तो आपने साइटिंग करी. तो इसका यूज क्या? इट इज यूज फॉर साइटिंग. इट इज फिक्स्ड पार्ट ऑफ डंपी लेवल. और साइटिंग आप डिसाइड कैसे करते हो? क्रॉस हेयर एंड डायफ्रागम ऑफ टेलीस्कोप intersect at right angles this is known as line of collimation. ये एक imaginary line है. line of collimation LOC is an imaginary लाइन. ऐसा लाइन होता नहीं है बट एक्चुअली क्या है, ये आपका क्रॉस हेयर है और यहाँ डायफ्रागम, ये जो मीटिंग पॉइंट है. तो हम इस सेंटर पे कोई भी लेवल सरफेस को, किसी भी लेवल को नोट डाउन करने के लिए इस सेंटर पे हम लोग फोकस करते हैं और वहाँ से वैल्यू नोट डाउन करते हैं. तो वही मैंने लिखा. और ये जो इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी पॉइंट है, जो इस लाइन से आपने यहाँ पे देखा, साइट किया, तो ये जहाँ पे आपको दिख रहा है इस लाइन ऑफ साइट को हम लोग लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोलते हैं. ये एक इमेजिनरी लाइन है, एक हाइपोथेटिकल लाइन है. तो ये आपका टेलीस्कोप का यूज हो गया. टेलीस्कोप के और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, वो आपने डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ना है. नेक्स्ट पार्ट इज कंपास. कंपास के इसमें क्या बोला? कंपास सर्विंग में भी हमने देखा, इट इज यूज फॉर टेकिंग द एंगुलर मेजरमेंट. इट इज अटैच्ड टू नोट डाउन एंगुलर मेजरमेंट्स. तो जो आपके एंगुलर मेजरमेंट्स हैं उसे लेने के लिए आपने यूज क्या किया? कंपास. तो वो कंपास का फंक्शन पूछ सकते हैं. कंपास इन अ डंपी लेवल इज यूज्ड इन ऑर्डर टू टेक. कंपास हमने डंपी लेवल में क्यों यूज किया? ऑप्शन दे देंगे फॉर लीनियर मेजरमेंट, फॉर एंगुलर मेजरमेंट, फॉर बोथ, फॉर नन. तो आपको पता है कंपास हमने एंगुलर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं. कंपास सर्वेइंग में भी आपको मैंने बताया वो एंगुलर मेजरमेंट लेता है. लीनियर मेजरमेंट के लिए हमारे पास क्या है? चेन्स है या टेप्स है. लास्ट वन इज बबल ट्यूब. देयर आर टू बबल ट्यूब्स. टू बबल ट्यूब्स कंटेनिंग अस्पिरेट लेवल. इट इज यूज्ड फॉर सेंटरिंग. तो ये बबल ट्यूब क्या है? दो बबल ट्यूब होते हैं आपके, एक लैटरल और एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में. और इसका यूज क्या होता है? ये ट्राइपॉड में अटैच रहते हैं. ट्राइपॉड के पास, इंस्ट्रूमेंट के पास ये अटैच रहते हैं. और ये सेंटरिंग के लिए, मैंने आपको बोला था परमानेंट या टेम्पररी एडजस्टमेंट्स में एक लेवलिंग बोला था, जो आप ट्राइपॉड के लेग्स को मूव करके प्रॉपर लेवल में ला रहे हो कि कहीं अंड्यूलेशन नहीं है, किसी एक तरफ इंक्लाइन नहीं है, तो वो प्रॉपर लेवलिंग हो गया. लेवलिंग के बाद आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी प्रॉपर सेंटर है, जो ट्राइपॉड का सेंटर पार्ट है वहां पे फिक्स है या नहीं, ये देखने के लिए हम सेंटरिंग करते हैं कैरी आउट. और उसके लिए यूज कौन सा करते हैं? बबल ट्यूब. तो बबल ट्यूब एक्चुअली उसके अंदर स्पिरिट रहता है. स्पिरिट आपका केमिकल है और उसमें एक ट्यूब एंटर किया रहता है, वो मूव करता है. तो वो आपका सेंटर में होना चाहिए. अगर वो सेंटर में नहीं है तो ये माना जाता है कि आपका प्रॉपर सेंटरिंग नहीं है और जो वैल्यूज आएंगे वो एरोनियस वैल्यूज आएंगे, वहां पर वैल्यू में एरर हो जाएगा. इसलिए हमने क्या कहा यहाँ पे, मैंने क्या कहा, इट इज यूज फॉर सेंटरिंग. दो बबल ट्यूब होते हैं, आप उसे ऐसे एडजस्ट करते हो अपने टेलीस्कोप को, अपने इंस्ट्रूमेंट को, कि वो दोनों बबल ट्यूब जो है उसमें बबल जो आपके अंदर जो ट्यूब्स हैं वो परफेक्टली सेंटर पे हो.
आपने उसे देखा होगा, जब आप उसे मूव कराते हो तो उसमें अंदर स्पिरिट रहता है, वो स्पिरिट में डिप्ड रहता है, वो मूव करेगा राइट वार्ड लेफ्ट वार्ड या ऐसा कुछ करके, बट उसे हमें सेंटर में रखना है, एट सेंटर पोजीशन, और दोनों बबल ट्यूब के बबल्स जो हैं, जो ट्यूब्स हैं, वो सेंटर पोजीशन पे होंगे, तभी हम ये मानेंगे कि हमारा जो डंपी लेवल इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है वो परफेक्टली सेंटर्ड है, और उसके बाद हम लोग कैरी आउट करते हैं अपना लेवलिंग वर्क। तो ये सिक्स कंपोनेंट्स हैं, मेन सिक्स कंपोनेंट्स ऑफ डंपी लेवल। इन सारे के बारे में मैंने आपको बताया, इनका क्या यूज़ है। ये बबल ट्यूब मैंने बोला इट इज़ यूज्ड फॉर सेंटरिंग, दो बबल ट्यूब होते हैं, स्पिरिट लेवल उसमें भरा रहता है, दे आर फिल्ड विथ स्पिरिट लेवल। तो ये सिक्स कंपोनेंट्स हैं आपके डंपी लेवल के, और सिर्फ हमें डंपी लेवल ही देखना है जो आपका सिलेबस का पार्ट है। सो ये डंपी लेवल आपका है। नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ लेबलिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबलिंग होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। तो उन सारे के बारे में हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबलिंग हमारे क्या है। ये इंस्ट्रूमेंट था, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लेबलिंग। तो इंस्ट्रूमेंट भी बहुत सारे होते हैं, वाई लेवल होते हैं, क्रॉस लेवल होते हैं, बट यहाँ आपके सिलेबस में मैंने बोला डंपी लेवल सिर्फ आपको देखना है, तो इसलिए मैंने डंपी लेवल के फंक्शन को बताया और डंपी लेवल के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स डिस्कस किए। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ लेबलिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबलिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग में सारे में हम लेवल ही नोट डाउन करते हैं, बट हमारा सिचुएशन कैसा है, हमारा जो एरिया है जहाँ हमें लेबलिंग लेनी है, लेबलिंग प्रोसेस कैरी आउट करना है, वो एरिया उस सिचुएशंस पे हम डिपेंड करेंगे कि कौन कौन से लेबलिंग को हम यूज़ कर सकते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबलिंग। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबलिंग में एक तो आपने जो बेसिक अभी तक लेबलिंग में बता रहा था वो आपका सिंपल लेबलिंग है, द नेक्स्ट वन इज डिफरेंशियल लेबलिंग, उसके बाद आपका एक फ्लाई लेबलिंग होता है, फ्लाई लेवलिंग के बाद आपका प्रोफाइल या लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग होती है, फिर क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग होती है, उसके बाद आपका एक और लेवलिंग होता है, वो होता है आपका चेक लेवलिंग। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग। एक आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग भी होता है, रेसिप्रोकल लेवलिंग जनरली हम करते हैं वो हम अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, डाउन साइड अप करते हैं। नॉर्मल लेवलिंग आपका अपसाइड डाउन होता है, बट आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग जो होता है वो डाउनसाइड अप होता है, इसलिए उसमें जो वैल्यू यहाँ पे हम माइनस कर रहे होते हैं वहाँ पे वो वैल्यू ऐड हो जाता है। सो वो जब मैं आपको रेसिप्रोकल लेवलिंग के क्वेश्चन दूंगा, मैं उससे एक सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे जगह पूछते हैं, उसके क्वेश्चन जब असाइनमेंट में मैं आपको दूंगा वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि रेसिप्रोकल लेवलिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बट यह हमारा जो डिस्कशन का पार्ट है वो टाइप्स ऑफ लेवलिंग है, जो मैंने सिक्स टाइप बताए वो हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं और वो कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। सो द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ लेवलिंग, टाइप्स ऑफ लेवलिंग। तो मैंने आपको मेजरली सिक्स टाइप्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, सिक्स टाइप्स ऑफ लेवलिंग, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल लेवलिंग, सिंपल लेवलिंग। सेकंड वन इज डिफरेंशियल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग। थर्ड वन इज फ्लाई लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग। फोर्थ वन इज लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल और प्रोफाइल लेवलिंग। फिफ्थ वन इज क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। सिक्स्थ एंड लास्ट वन इज दैट इज चेक लेवलिंग। ये चेक लेवलिंग हम लोग लास्ट में कैरी आउट करते हैं, और इन सारे के डिफरेंट फंक्शन हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग सिंपल लेवलिंग। ये सिंपल लेवलिंग क्या है, द फर्स्ट वन इज सिंपल लेवलिंग। तो ये सिंपल लेवलिंग क्या है आपका, नॉर्मली जो हम लोग लेवलिंग कैरी आउट करते हैं तो सिंपल लेवलिंग में, वो सिंपल लेवलिंग होता है, उसमें क्या करते हैं आपका एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है ए एंड बी, आपको इसके लेवल सरफेस लेवल वैल्यूज नोट डाउन करना है। आप एक पॉइंट बीच में ओ होगा, यहाँ पे आपने अपना इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया, इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया आपने यहाँ पे, और इससे आपने पहले ए फिर बी या बी या ए, दोनों साइड आपने प्रॉपर साइटिंग की और आपने वैल्यू नोट डाउन कर लिया। तो ये जो सेंटर में आपने फिक्स किया दो पॉइंट्स के बीच जहाँ आपको लेवल नोट डाउन करने थे, दिस टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज सिंपल लेवलिंग।
तो सिंपल लेवलिंग हम लोग क्या लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट इज दैट इज डंपी लेवल और एनीथिंग, बट इंस्ट्रूमेंट इज फिक्स्ड एट सेंटर पॉइंट सपोज 2 points A and B are there. So we will set the instrument. We will set the instrument at O. Midpoint of A and B. तो मैंने क्या बोला आपको, अगर आपने दो पॉइंट्स आपने ले रखे हैं ए और बी है और आपको इनके बीच का लेवल फाइंड करना है, तो आप सिंपल लेवलिंग में क्या करते हैं कि आप इसके बीच मिड पॉइंट जो ये ओ मिड पॉइंट है ए और बी का, यहां पे आपने इंस्ट्रूमेंट फिक्स किया और इंस्ट्रूमेंट फिक्स करके आपने ए और बी दोनों की तरफ रीडिंग नोट डाउन करी और वहां से आपका लेवल सरफेस पता चल गया। तो ये बहुत सिंपल टाइप ऑफ लेवलिंग है, ये आप तब यूज करते हो जब आपका प्लेन हो, एरिया पूरा प्लेन हो, क्योंकि आप सोच सकते हो मिड पॉइंट आप तभी डिटरमाइन कर पाओगे जब ये सारे एक ही प्लेन में हो, ये कंप्लीटली स्ट्रेट हो, ये स्ट्रेट लाइन हो, एक स्ट्रेट प्लेन में हो, उस समय आप सिंपल लेवलिंग यूज कर सकते हो इन सच काइंड ऑफ कंडीशन। तो यहां पे मैंने क्या बोला, इन सच काइंड ऑफ कंडीशन वेयर देयर इज नो रफ प्लेन और अनड्यूलेटेड टेरेन नहीं है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं कौन सा, सिंपल लेवलिंग। सो दिस इज यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है, इंस्ट्रूमेंट इज फिक्स्ड एट सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट जो होता है दो पॉइंट्स के बीच में, वहां पे आपने इंस्ट्रूमेंट फिक्स किया और दोनों तरफ के पॉइंट का वैल्यू नोट डाउन किया। ऐसे ही जितने पॉइंट्स होंगे आप मिड पॉइंट उनका डिनोट करोगे, उस मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग आप फाइंड कर लोगे। तो ये आपका सिंपल लेवलिंग है। द नेक्स्ट वन इज डिफरेंशियल लेवलिंग। ये डिफरेंशियल लेवलिंग आपका क्या है, मैंने बोला था यहां पर सिंपल लेवलिंग आप तब कैरी आउट कर सकते हो जब आपका प्लेन स्ट्रेट हो, सरफेस स्मूथ हो, कोई रफनेस नहीं हो, वहां पे अंड्यूलेशन नहीं हो, मींस एलिवेशन या डिप्रेशन नहीं हो, और वो आप ऑब्वियसली बात है सिंपल लेवलिंग आप तभी कैरी आउट करोगे जब एरिया आपका बहुत लार्ज नहीं हो, स्मॉल एरियाज के लिए आपने लेवलिंग कंसिडर करना है। बट एरिया लार्ज हो, एलिवेशन डिप्रेशन ज्यादा हो, अंड्यूलेशन हो प्लेन्स में, वैसे कंडीशन में हम बार बार स्टेशन की पोजिशन चेंज करते हैं, सिर्फ सेंटर पॉइंट पे दो पोजीशन लेके नहीं कर सकते कैरी आउट लेवलिंग, वहां पे हमें इंस्ट्रूमेंट अपना चेंज करना होता है, इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेस्ड एट डिफरेंट स्टेशंस एंड देन वी कैरी आउट द लेवलिंग। सच काइंड ऑफ लेवलिंग इज नोन एज डिफरेंशियल लेवलिंग। डिफरेंशियल मतलब ही हुआ डिफरेंसेस हैं, सरफेसेस डिफरेंसेस हैं, अंड्यूलेशन है वहां पे, कहीं पे एलिवेशन है, कहीं पर डिप्रेशन है, और वैसे कंडीशन में हमने बार बार स्टेशन को चेंज करना है, इंस्ट्रूमेंट हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स करके सारे वैल्यूज नोट डाउन नहीं कर सकते हैं। तो वैसे कंसिडरेशन में, वैसे सिचुएशन में हम जो लेवलिंग कैरी आउट करेंगे, जो प्रोसेस हमने फॉलो किया, उसे डिफरेंशियल लेवलिंग बोलते हैं। डिफरेंशियल लेवलिंग व्हेन सरफेस इज अनड्यूलेटेड, व्हेन सरफेस इज अनड्यूलेटेड रफ एंड एरिया इज लार्ज विथ हाई एलिवेशन एंड डिप्रेशन वी कैरी आउट डिफरेंशियल लेवलिंग। तो ये मैंने बताया डिफरेंशियल लेवलिंग हम किस सिचुएशन में कैरी आउट करेंगे, जब आपका सरफेस रफ हो, प्रॉपरली ड्यूलेटेड नहीं हो, वहां पे आपका एरिया लार्ज हो और एलिवेशन डिप्रेशन दोनों वहां पे आपके कंसिडरेबल अमाउंट में है, तो हम लोग डिफरेंशियल लेवलिंग कैरी आउट करेंगे। इन दिस लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट
is placed at different stations or different points to note down levels. तो लेवल नोट डाउन करने के लिए आप डिफरेंट प्लेसेस पे इंस्ट्रूमेंट प्लेस करते हो और फिर नोट डाउन करते हो. फॉर एग्जांपल आपका एरिया कुछ ऐसा है, तो आप यहाँ पे अगर मिड पॉइंट पर मेजर करोगे तो यहाँ वाला आपको तो सरफेस मिलेगा लेकिन यहाँ वाला आपका प्रॉपर वैल्यू नहीं आ पाएगा. तो वैसे कंडीशन में पहले हमने यहाँ इंस्ट्रूमेंट प्लेस किया ये साइटिंग की, फिर हम इंस्ट्रूमेंट यहाँ प्लेस करेंगे और इससे ये साइटिंग और ये साइटिंग कैरी आउट करेंगे. तो इंस्ट्रूमेंट का जो पोजिशन है वो डिफरेंट स्टेशन पर हम प्लेस करते जाएंगे और वहाँ से हम वैल्यू नोट डाउन करते जाएंगे. तो ये डिफरेंसेज आ रहे हैं लेवलिंग के एरिया जहाँ पर आपने इंस्ट्रूमेंट प्लेस किया वो सारे डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंसेज आ रहे हैं उनके प्लेसमेंट में, उनके एडजस्टमेंट में, उनके एरियाज ऑफ कंसिडरेशन में. तो सच काइंड ऑफ लेवलिंग इज नोन एज डिफरेंशियल लेवलिंग. तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंस्ट्रूमेंट इज रिमेन फिक्स्ड इन विच काइंड ऑफ लेवलिंग, इंस्ट्रूमेंट आपका किस लेवलिंग टाइप में फिक्स होता है. ऑप्शन पूछ लेंगे सिंपल, डिफरेंशियल, बोथ और नन. तो सिंपल लेवलिंग में आपका फिक्स है बट डिफरेंशियल लेवलिंग में इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स. तो इंस्ट्रूमेंट आपका चेंज हो रहा है, स्टेशन आपका चेंज हो रहा है और वहाँ से आप बैक साइड, फोर साइड ये सारे लेते रहोगे. और इसमें क्या होता है आपका सिंपल लेवलिंग में यहाँ पे आपने सेंटर पॉइंट पे फिक्स किया और वहाँ से आप तीन रीडिंग लोगे, पहला रीडिंग बैक साइड, दूसरा इंटरमीडिएट, तीसरा फोर साइड और वो आपका लेवलिंग प्रोसेस वहाँ पे एंड हो जाएगा. सो दैट वाज सिंपल लेवलिंग एंड दिस वन इज डिफरेंशियल लेवलिंग. थर्ड वन इज फ्लाई लेवलिंग. फ्लाई लेवलिंग, ये फ्लाई लेवलिंग क्या होता है? When differential leveling is done to join the RL of benchmark to initial point of start. Such leveling is known as fly leveling. तो ये fly leveling क्या होता है? जब आपको किसी benchmark के RL को, benchmark में उसका RL known है तो उसके RL से आपको जहां पर start करना है अपने leveling process, leveling का आपका phenomena start होगा, उन दोनों points के बीच में difference है तो उन दोनों पॉइंट्स को आप कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए जो डिफरेंशियल लेवल कैरी आउट करते हो वो लेवलिंग आपका फ्लाई लेवलिंग है. वो आप ऐसे समझो आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहां से है, दिस इज ए, बी, सी, डी, आपका ऐसे लेवलिंग कैरी आउट करना है. तो आप इसी बात है यहां डिफरेंशियल लेवलिंग यूज करेंगे बट आपका बेंचमार्क है वो समवेयर यहाँ प्लेस है आपका बेंचमार्क. तो वैल्यू तो आपके पास आरएल का यहाँ है बट आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है. तो इनिशियली पहले आप लेवलिंग कैरी आउट करोगे ये पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए. और दिस टाइप ऑफ लेवलिंग विच इज़ यूज्ड टू कनेक्ट द बेंचमार्क विथ इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट जहाँ से आपने स्टार्ट करना है. तो इन दोनों के बीच गैप है. फॉर एग्जाम्पल बेंचमार्क वहाँ नियरेस्ट बेंचमार्क जो है उसका रिड्यूस लेवल जो आपको पता है वो थोड़े डिस्टेंस पे है और जहाँ से आपने प्रोजेक्ट कैरी करना है अपने लेवलिंग का उनके बीच में डिस्टेंस है, कुछ डिफरेंसेस है. तो पहले आप उन दोनों को ज्वाइन करेंगे सो दैट आपको इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल पता चले. तो उसके लिए जो हम लेवलिंग कैरी आउट करते हैं वो हमारा फ्लाई लेवलिंग है. सो इट इज काइंड ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग, ज्वाइन बेंचमार्क टू इनिशियल पॉइंट. बेंचमार्क टू इनिशियल पॉइंट को आप जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपके पास वैल्यू मालूम है बेंचमार्क का बट आपका प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है ए, तो यहाँ के स्टार्टिंग पॉइंट को आपको जानने के लिए ये बेंचमार्क का पॉइंट को यहाँ पर लाना होगा और उसके लिए जो लेवलिंग कैरी आउट करते हैं वो हमारा फ्लाई लेवलिंग है. दैट इज फ्लाई लेवलिंग. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ लेवलिंग इज लॉन्गिट्यूडनल और प्रोफाइल लेवलिंग. तो जब आप रोड का या रेलवे ट्रैक्स की जब आपने लेवलिंग करनी है
तो वो क्या होता है, जनरली वो एक स्ट्रेट रहता है रोड या आपका रेलवे ट्रैक, तो उसके लेवलिंग के लिए आप हमेशा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव करते हो। सच काइंड ऑफ लेवलिंग इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग और प्रोफाइल लेवलिंग। सो फोर्थ वन इज लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, सो ये लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग क्या है? लेवलिंग इज कैरिड आउट इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन सच एज रिक्वायर्ड इन लेवलिंग ऑफ रोड्स, रेलवे ट्रैक्स एटसेट्रा। तो जो रोड और रेलवे ट्रैक के लिए आप सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फोकस करते हो और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपका लेवलिंग कैरी आउट होता है, वैसे लेवलिंग को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। सो लेवलिंग इज कैरिड आउट इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन सच एज रिक्वायर्ड इन लेवलिंग ऑफ रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोफाइल लेवलिंग। प्रोफाइल लेवलिंग। नेक्स्ट वन इज क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग, ये क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग क्या है? यहां ये बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग के अपोजिट है। यहां पर हमने लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कैरी आउट किया और क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग में ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कैरी आउट करते हैं। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लेवलिंग इज कैरिड आउट इन ट्रांसवर्स। लेवलिंग इज कैरिड आउट इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। लेवलिंग इज कैरिड आउट इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो ये आपका क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग है और अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जाएगा तो वो आपका लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग है। द लास्ट वन इज चेक लेवलिंग। चेक लेवलिंग, आपने जितने भी लेवलिंग कैरी आउट किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग देखे, एट लास्ट अगर हमें ये चेक करना है, हमें एक्यूरेसी चेक करनी है लेवलिंग की कि वो हमारा सारा कुछ प्रॉपर हुआ है या नहीं, तो जो फाइनल पॉइंट होगा आपका लेवलिंग जहां एंड कर रहा होगा और इनिशियल पॉइंट था जहां से आपने लेवलिंग स्टार्ट किया, इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करने, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए जो लेवलिंग हम कैरी आउट करते हैं वो हमारा चेक लेवलिंग होता है। चेक लेवलिंग। सो इट इज डन टू चेक दी इट इज डन टू चेक दी accuracy of it is done to check the accuracy of labeling work it is done to check the accuracy of labeling work initial point and final point is joined together। तो इनिशियल पॉइंट, यहां से आपने स्टार्ट किया लेवलिंग, ये आपका इनिशियल पॉइंट था, यहां से आपने बहुत सारे लेवलिंग कैरी आउट करके ये फाइनल पॉइंट था। अल्टीमेटली आप फाइनल पॉइंट से फिर से इनिशियल पॉइंट की लेवलिंग करते हो अपोजिट डायरेक्शन में कि वो प्रॉपर है या नहीं, एक्यूरेसी की चेक करने के लिए। दैट लेवलिंग इज नोन एज चेक लेवलिंग। दैट लेवलिंग इज नोन एज चेक लेवलिंग। डन टू चेक एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी है और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए हम इसे कैरी आउट करते हैं। सो दिस इज नोन एज चेक लेवलिंग। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग थे जो हमने यहाँ डिस्कस किए। रेसिप्रोकल लेवलिंग के लिए मैंने बोला कि उसका एक क्वेश्चन आता है, वो इन्वर्टेड डायरेक्शन में होता है और वहां पे हम माइनस के बदले प्लस करते हैं, तो वो बात मैं आपको तब समझा पाऊंगा जब मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी दूंगा और असाइनमेंट में जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ वहां पर मैं आपको रेसिप्रोकल लेवलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। नाउ द लास्ट पॉइंट इज इन लास्ट पॉइंट और लास्ट टॉपिक इन आवर लेवलिंग चैप्टर इज
करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। मैंने आपको बोला था जियोडेटिक सर्वे में हम कर्वेचर कंसिडर करते हैं और प्लेन सर्वेइंग में कर्वेचर कंसिडर नहीं करते हैं। वहाँ मैंने आपको ये भी बोला था अगर आपने कर्वेचर कंसिडर किया है तो फॉर स्मॉलर एरियाज वो इफेक्ट नहीं डालेगा आपके मेजरमेंट्स पे, बट अगर आपने लार्जर एरिया ले रखा है, लार्जर एरिया कंसिडर किया है सर्वे के लिए, तो वैसे कंडीशन में चाहे वो सर्वे हो या लेवलिंग हो, दोनों जगह पे आपको कुछ करेक्शन ऐड करना होगा क्योंकि उसका इफेक्ट कंसिडरेबल होगा और आप उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो जो एरर इंड्यूस होते हैं कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की वजह से, वो एरर को सही करने के लिए हम कुछ करेक्शन ऐड करते हैं हमारे रीडिंग्स में। जो हम लोग रीडिंग्स कैरी आउट किए हैं वो हमारा करेक्शंस है, एंड दोज करेक्शंस आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, दैट इज करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। सो आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज करेक्शंस। और ये करेक्शंस दो हैं, फर्स्ट वन करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, और यहां मैं सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा क्योंकि इसका डेरिवेशन आपके काम नहीं आने। कर्वेचर का करेक्शन आप जानते क्यों आता है, एरर क्यों इंड्यूस होता है, क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो कर्व फॉर्म में, उसके जो लाइंस हमने ड्रॉ किए वो कर्व फॉर्म में थे, बट हमने उसे स्ट्रेट लाइन एज्यूम किया था। तो ये स्ट्रेट लाइन एज्यूम किया तो वो कर्वेचर इफेक्ट की वजह से कुछ ना कुछ एरर इंड्यूस होगा अगर हमारा लेवलिंग या सर्वेइंग एरिया लार्जर पार्ट में है कंसिडर। अगर स्मॉलर पार्ट है तो वहाँ बहुत ज़्यादा वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, बट अगर वो लार्जर पार्ट है तो जो एरर इंड्यूस करेगा वो कंसिडरेबल अमाउंट का होगा और उसके लिए आपको करेक्शन अप्लाई करना होगा। सो द फॉर्मूला फॉर करेक्शन इज सी इक्वल टू डी स्क्वायर बाय टू आर, ये डी है आपका जो एरिया, जो डिस्टेंस है आपने मेजर करना है, जो आपको दिया रहेगा वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग होगा, और ये आर जो है, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि कर्वेचर इफेक्ट आया ही क्यों, वो कर्वेचर इफेक्ट आपका आ रहा है क्योंकि अर्थ स्फेराइडल सरफेस है, तो जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे लेवल सरफेस पे वो हमारा स्फेरिकल लाइन होगा, कर्व लाइन होगा, बट हमने उसे एज्यूम किया था स्ट्रेट लाइन। तो रेडियस ऑफ अर्थ आप जानते हो, रेडियस ऑफ अर्थ जो आप वैल्यू पुट करोगे, टोटल डायमीटर 13,740 किलोमीटर है, और उसे जब आप डिवाइड करोगे टू पार्ट्स में आपका रेडियस निकल के आएगा, और जो रेडियस की वैल्यू आप इसमें पुट किए जब आपने, तो अल्टीमेटली जो आपका डिराइव लास्ट फॉर्मूला आता है, या तो c इक्वल टू डी स्क्वायर बाय टू फॉर्म में रख सकते हो आप, नहीं तो इसे जब फर्दर डिराइव करोगे तो ये आपका आएगा 0.0785 डी स्क्वायर। ये डी स्क्वायर ही रहा 1/2r, 1/2 आप रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे अर्थ की, फाइनली जो कैलकुलेट करेंगे 0.0785 आएगा, और ये वैल्यू 0.0785 डी स्क्वायर है, दैट इज करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। इसे डिनोट करते हैं सी सी, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। और ये करेक्शन हमेशा आपका नेगेटिव होता है। और मैंने आपको बताया था करेक्शन और एरर के पोजीशन जो डायरेक्शन होते हैं, साइन होते हैं, वो अपोजिट होती है। तो अगर करेक्शन नेगेटिव है दैट मीन्स एरर जो इंड्यूस हुआ था वो पॉजिटिव है। तो ज़्यादा एरर आया था, एरर पॉजिटिव डायरेक्शन में आया था, आपकी वैल्यू ज़्यादा नोट डाउन हुई थी, इसलिए अब उसमें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे करेक्शन में। सो दिस वैल्यू इज माइनस 0.07 डी स्क्वायर। दिस करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ये जो आपका करेक्शन है वो हमेशा नेगेटिव होगा, कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये जो होता है आपका वैल्यू इसकी होती है, दैट इज करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन सी आर 1/7 इंटू सी सी। तो ये सी सी का 1/7 पार्ट होता है, सो अल्टीमेटली ये सी आर आपका हो जाएगा 0.0112 डी स्क्वायर, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। करेक्शन पॉजिटिव है, इट मीन्स एरर जो इंड्यूस हुआ था वो नेगेटिव था।
करेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, करेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था लेवलिंग का, दैट इज करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। इसके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, डी स्क्वायर बाय टू फॉर्म में भी या 0.0785 डी स्क्वायर में, वो डी की वैल्यू आपको देंगे और कैलकुलेट करा लेंगे, या फिर वो वैल्यू इसमें फॉर्मूले में दे देंगे, आर की वैल्यू दी होगी, अगर उन्होंने रेडियस दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो आपको याद भी रखना है कि डायमीटर हमारी 13,740 किलोमीटर होती है, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे वो आपका रेडियस निकल के आएगा। और ये नहीं दे रखा है, अगर उन्होंने इस फॉर्म में दे रखा है, सिर्फ डी दे रखा है, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। बट वो हो सकता है कैलकुलेशन आपसे नहीं भी पूछें, क्योंकि जनरली ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपके जो कैलकुलेटर्स होते हैं कैलसी होते हैं वो अलाउड नहीं होते हैं, तो विदाउट कैलसी ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ये कैलकुलेशन करना आपके लिए, ये लेंदी प्रोसेस होगा। तो ये फॉर्मूले भी आपको ध्यान में रखना है, वो डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछ सकते हैं, नहीं तो वो अपार्ट फ्रॉम दिस वो वैल्यूज भी नोट डाउन करा सकते हैं। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, नेक्स्ट वीडियो जब हमारा आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर कॉन्टूर्स, और ये कॉन्टूर्स बहुत ही छोटा चैप्टर है, वहाँ बस 5-6 पॉइंट्स मेंशन कराने मुझे आपको, उन पॉइंट्स से आपके क्वेश्चन होंगे। तो ये जो कॉन्टूर्स वाला पोर्शन है और 6th चैप्टर आपका जो एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट है वो हम लोग पैरेलली कैरी आउट करेंगे, क्योंकि दोनों बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। कॉन्टूर्स में हमें कुछ पॉइंट्स मेंशन कराने हैं और वॉल्यूम एरिया मेजरमेंट में कुछ फॉर्मूलेज दूंगा जिससे आपके क्वेश्चन रेज होंगे। तो जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग चैप्टर 5th और चैप्टर 6th एक साथ डील करेंगे, दोनों प्रॉपरली पैरेलली चलेगा। थैंक यू।